तीन चार तरीके होते हैं जिससे नाभि हटी हुई है धरण, तो आप पता कर सकते हो। फर्स्ट तरीका ये है, जो आगे चक्र वाला पॉइंट रहता है इसको दबाएंगे, अगर तेज दर्द होगा तो समझ लीजिए नाभि या धरण हटा हुआ है। अगर दूसरे हाथ का दबाएंगे और उसमें भी दर्द होगा तो समझ लीजिए नाभि दूसरी जगह खिसक गया है, ठीक ना। दूसरा तरीका है, आप हथेली को सीधे करो ऐसे पूरा हथेली, और ये जो ये देखो ये जो अगर लाइन है हम ऐसे मिलाते हैं, अगर ये लाइन तो इनकी लगभग लगभग बराबर है, अभी इनकी नाभि ठीक है। अगर ये लाइनें जो है वो ऊपर नीचे होती हैं तो आप इसका मतलब है आपकी नाभि खिसकी हुई है। अब ये नाभि सेट कैसे करते हैं ये हम आपको बताते हैं। देखिए जिसका नाभि हटा हुआ होता है उसको भी नंगे पांव रहना है, थोड़ा कह करो, और जो नाभि सही कर रहा है उसको भी नंगे पांव होना जरूरी है घास पर। पहले हाथ को चेक करते हैं हाथ ढीला है कि नहीं, अगर ढीला है तो ठीक है, और नीचे से इस हाथ को पकड़ेंगे इस हाथ से, और यहाँ पे पीछे करो इसको, एल बनाओ, एल पीछे करो, पौड़ी पीछे करो, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद जो यहाँ पे एक नस निकली रहती ब्रैकल आर्टी, तो उसको यहाँ पे इस हाथ को यहाँ पे रखते, इसको दबाते हैं और इसको ऐसे खींचते हैं, दबा करके योगी जी के पंजे की तरह मकान डालते हैं उसका, ठीक है, इसको खींचते हैं और दबाते हैं, खींचते बाहर की तरफ, जैसे वो छोटे होते हैं ना। तो सरकारी स्कूल में कौन कौन पढ़ा है आप में से, सरकारी स्कूल में पढ़ा है कोई? जो बच्चे लोग टट्टू वाला खेल देखते थे, बच्चे खेलेंगे तो बॉल निकल आएगा, वही वाला मेन, बस वही वाली मसल खींचनी है, वही करना है आपको। और दूसरा, और योग में कई आसन रहते हैं, जैसे उत्तात पादासन, 30 डिग्री अर्धहलासन, सुप्त वज्रासन, पवन मुक्त आसन, इस सारे आसनों से जो हम सुबह सुबह पेशेंट को करवाते हैं उससे भी आप नाभि या धरण सही कर सकते हो, ठीक है। ये सारे तरीके रहते हैं, और भी तरीके चेक करने के रहते हैं, चार पांच तरीके और भी रहते हैं। आपकी मेमोरी ग्लैंड से और नाभि की डिस्टेंस को चेक करते हैं धागे से, अगर ऊपर नीचे रहता है तब भी समझ लीजिए नाभि या धरण आपका हटा हुआ है। चौथा तरीका ये भी रहता है कि पैर को सीधा करते हैं, अंगुष्ठ अगर आगे पीछे जाता है दोनों पैरों का तो समझ लीजिए एक पैर का तो नाभि या धरण हटा हुआ है, तो इसे आप चेक करते हैं। और नाभि को सही करते हैं इस वाले पॉइंट को दबा करके भी, पांच बार दबाना है, फिर छोटा एक बार दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे दबाएंगे, और उसके बाद हम तत्वों से भी इसको सही कर सकते हैं और चक्र को एक्टिव करके भी कर सकते हैं। जैसे आपका ये है पृथ्वी तत्व, इसको भी ऐसे दबाते हैं, दो उंगलियों अंगुष्ठ पृथ्वी तत्व को बोलते हैं पांच बार, पृथ्वी 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 पृथ्वी, और इसको फिर जल, जल तत्व ये रहता है, और फिर ये अग्नि, ये वायु, ये आकाश। एक शपथ लेते हैं, मेरे पीछे पीछे बोलोगे, हम सब ये प्रण करते हैं कि जब तक अपनी बीमारी को अच्छी तरह हरा नहीं देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। जो परहेज बताया जाएगा वो पूरा करेंगे और अच्छी तरह से खाने को चबा के खाएंगे। जिस दिन मूड खराब होगा गुस्सा होगा उस दिन कुछ नहीं खाएंगे। पानी को भी घूट घूट करके पिएंगे अच्छी तरह चबा के। और जिस दिन भी बारिश का मौसम होगा तूफान होगा या मौसम बदल रहा होगा उस दिन खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। कोई पकौड़े, कोई समोसे, कोई कचौड़ी, कोई पकौड़े बनाएंगे तो पड़ोसियों को दे आएंगे, खुद नहीं खाएंगे। अब एक बार मेरे पीछे बोलो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं एक्टिव हूँ, मैं ऊर्जान्वित हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं बीमार नहीं हो सकता हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और मैं स्वस्थ ही रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।